इंदौर में कोरोना संक्रमण की थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है और अब इंदौर के लोगों को संभलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि जो थर्ड वेव है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती है। अब जो है इंदौर थर्ड वेव की शुरुआत में आ चुका है और इसी के साथ बात करें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो कल 255 मरीजों का कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सामने आया था, जिसमें से तकरीबन माने अभी तक इंदौर में 722 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अस्पतालों की बात करें तो आज इंदौर कलेक्टर ने और इंदौर संभागायुक्त ने यहां पर एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली है, जिसमें सभी इंदौर के जो कोविड अस्पताल हैं और उसके साथ साथ जो सरकारी अस्पताल हैं उनके सभी डॉक्टर्स उसमें मौजूद थे और साफ निर्देश वहां पर दिए गए हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं यहां पर, उनको अब ये समझना होगा कि इंदौर में जो कोरोना संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जो सुविधाएँ स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है और जो प्रदेश सरकार ने जितने भी मध्य प्रदेश में शहर हैं बड़े बड़े जहां पर इस प्रकार के संक्रमण की काफ़ी जो स्थिति ख़राब है उनको काफ़ी जो है सुविधाएं मुहैया कराई है और उन सुविधाओं को अब इनको शुरू करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसके पहले जब संक्रमण की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी कम मरीज़ अभी इंदौर में मिलना शुरू हुए थे, लेकिन अब कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि इंदौर में तकरीबन मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। और इसी के साथ जो आज इंदौर जिला कलेक्टर और इंदौर संभागायुक्त ने साफ कड़े निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं इंदौर के, उन तक मरीज़ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। जो निजी अस्पताल हैं, जो बड़े निजी अस्पताल इंदौर के प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां तक तो मरीज़ पहुंच रहा है, वो अस्पताल धीरे धीरे अब फुल होते जा रहे हैं, जिनमें पूरे बेड भरते जा रहे हैं, लेकिन इंदौर के जो सरकारी अस्पताल हैं जिनमें अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर मुहैया कराई गई है सरकार द्वारा, तो वो जो मरीज़ है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो मरीज़ हैं उनका अच्छे से इलाज किया जाए, ताकि लोग सरकारी अस्पतालों तक भी पहुँचे और उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में भी हमारा कोरोना संक्रमण का अच्छे से अच्छा इलाज हो पाएगा। साफ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि इंदौर संभागायुक्त और इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने यहाँ पर एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सब बातों को संज्ञान में उन लोगों को लाया है कि ताकि जो भी सुविधाएं हैं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम यहां पर शहर के लोगों को दे रहे हैं। उसी के साथ इंदौर में भी अब जो कोरोना संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। अभी इंदौर का एक प्रतिष्ठित संस्थान है ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी की शॉप है आनंद ज्वेलर्स, वहाँ को उस आनंद ज्वेलर्स को भी 7 दिन के लिए जिला प्रशासन ने सील किया है, ताकि उसके अंदर जो संक्रमण फैला हुआ है उस संक्रमण को ख़त्म किया जा सके। सैनिटाइज पूरे 7 दिन तक वहाँ की जो संस्था है उसको पूरा 7 दिन तक सैनिटाइज किया जाएगा उसको सील करने के दौरान, और वहाँ के जो ग्राहक हैं जिन्होंने दीपावली के अवसर पर वहाँ से ख़रीदारी की थी उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि अभी तकरीबन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो 7 से 8 दिन आप आइसोलेशन में रहिए, या अगर किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो उनके भी सैंपलिंग की जाएगी। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।